टेन ए पोजिशन ऑफ ग्रॉस, ग्रॉस की टेन ए स्थिति। अब ग्रॉस की टेन ए स्थिति क्या होती है, इसमें एक दंड चुंबक रहता है, ऐसे करके एक दंड चुंबक है। इसके अक्ष के समांतर क्या होगी, इसकी बल रेखाएं होगी, और पृथ्वी में जो बल रेखाएं हो रही है, पृथ्वी के अर्थ में, उसमें भी एक बल रेखाएं होगी। इसके बीच में एक दंड चुंबक रख दिए, और तो इसमें क्या होगी, इसको एच मान लिए, इसको बी मान लिए, चुंबक की जो बल रेखाएं हैं, चुंबक की बल रेखाएं और पृथ्वी की जो बल रेखाएं, उसको एच मान लिए। दोनों क्या है, युगांतर के परस्पर लंबवत है, दंड चुंबक के लंबवत है। इसके साथ क्या बनाएगी, ये थीटा कोण बनाएगी, इसके साथ क्या बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी। अब इसमें क्या दो बल कार्य करेंगे, एक एम एच और एक एम बी, और यहाँ पे भी दो बल कार्य करते हैं, एम एच एम बी और एम एच, और क्या होता है फिर इसके बाद, तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, ध्रुव कौन कौन से बन जाएंगे, यहाँ एच ध्रुव हो जाएगा, यहाँ एन ध्रुव हो जाएगा, और यहाँ इसकी इसकी मध्य बिंदु क्या हो जाएगी, ओ हो जाएगी। इस मध्य बिंदु से इसमें जो है यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, डी दूरी बोलते हैं। इसकी प्रभावी लंबाई टू हो जाएगी, और ध्रुव प्राबल्य क्या हो जाएगी, जी एम हो जाएगा। यहाँ पे जो ध्रुव प्राबल्य होंगे वो क्या हो जाएंगे, एम हो जाएंगे, ध्रुव प्राबल्य एम हो जाएंगे। तब इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं अपन, जब किसी दंड चुंबक को चुंबकीय युगांतर में रख के अक्षीय स्थिति में रख के, चुंबकीय युगांतर के अक्षीय स्थिति में रखे। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये अक्षीय स्थिति में इसको रख दिए, तो चुंबकीय सुई में सुई में दो एक समान और परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, कार्यवत रहते हैं। परस्पर लंबवत दो एक समान चुंबकीय क्षेत्र और परस्पर दो एक समान, ये देखिए दो एक समान परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेंगे, फलस्वरूप इसमें स्पर्जिया का नियम लगेगा और यह संतुलन की स्थिति में आकर ठहर जाएगा। अब ये चुंबक है, ये क्या होगा, ऐसे चुंबक, ऐसा चुंबक रखे हैं हम लोग, ये क्या होंगे, ये चुंबक ऐसे संतुलन की स्थिति में आने की क्या करेगी, प्रयास करेगी, संतुलन की स्थिति में आके ठहर जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस की टेन स्थिति कहते हैं। अगर दिशा के माध्यम से इसी को देखा जाए, तो इसमें अपन दिशा कैसे कंसीडर करेंगे, अगर दिशा कंसीडर करना है अपने को, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अपन किस दिशा में युगांतर में रखे हुए हैं, नॉर्थ थे साउथ की उसमें रखे हैं। इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं जो काम करेगी, अपने को पता है कि चुंबकीय कोई भी बल रेखाएं इसमें ठहरती है, हमेशा उत्तर और दक्षिण में ठहरती है। आके चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक रख दिया जाए, तो उसको इसमें स्वतंत्र उत्तर और दक्षिण में आके ठहरती है। तो अपन क्या किए, चुंबक अक्ष में चुंबकीय प्रभाव लिए, और इसमें जो पृथ्वी के जो चुंबकत्व है उसमें किए, तो ये दोनों को रख दिए, और उसके बाद इसको संतुलन में लाने की स्थिति में ला जाएगी। तो इसमें क्या दो बल कार्य कर रहे हैं, एम एच और एम बी, ये क्या है चुंबक के बल हैं, और ये क्या है पृथ्वी का बल है। तो दोनों क्या है, एक ऐसा बल है, एक क्षैतिज बल है, ठीक है जी। और उसके बाद अपन इसको देखते हैं उसके फॉर्म में, तो इसमें क्या कोण बना क्या रहा है, ये थीटा कोण भी बना रहा है ना, ये थीटा कोण बना रहे हैं। तब इसको संतुलन की स्थिति में देखेंगे, तब आप यहाँ लिख सकते हैं, और इसकी मध्य की दूरी क्या है, डी है। इसकी मध्य की दूरी क्या है, संतुलन की स्थिति में। अब संतुलन की स्थिति में, अब संतुलन की स्थिति में क्या होता है, तो स्थिति में सुई का विक्षेप थीटा होता है। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई भी एक विक्षेप चुंबकत्व वहाँ भी रखें, तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो सुई का विक्षेप क्या हो जाएगा, सुई का विक्षेप थीटा होगा संतुलन की स्थिति में। अब संतुलन की स्थिति के बाद क्या अपन क्या बोले, स्पर्जिया का वो लगेगा नियम, स्पर्जिया के नियम से। अब स्पर्जिया का नियम क्या होता है, कि B इक्वल क्या होता है जी, टेन एच टेन थीटा होता है। तो इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब
सुई चुंबक के सापेक्ष स्थिति अक्षीय स्थिति में, सुई चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में अपन इसका फार्मूला क्या जानते हैं, B इक्वल टू म्यू 4 पाई इंटू 2md डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब समीकरण दो हो गया। अब दोनों समीकरण एक और समीकरण दो से, जैसे लिखेंगे समीकरण एक और दो में तो क्या हो जाएगा, इस तरफ टेन एच टेन थीटा आ जाएगा, इस तरफ म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2md, और क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इसको m बाई एच के फॉर्म में लिखना है, तो इस तरफ इसको ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तब क्या हो जाएगा m h हो जाएगा। अब इस स्थिति में लिखेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा और म्यू नॉट यहाँ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर अपान टू डी, और यहाँ क्या हो जाएगा टेन थीटा, टू डी और टेन थीटा आ जाएगा। फिर क्या हो, अपने को पता है कि एल की जो मान होती है वो किससे बड़ी होती है, डी में होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एम इंटू एच हो जाएगा, एम इंटू एच हो जाएगा 4 पाई इंटू म्यू नॉट। अब एल की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो क्या हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा 2d, और इसकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी स्क्वायर, तो फिर क्या हो जाएगी टेन थीटा। अब सीधा देख सकते हैं कि 4 पाई म्यू नॉट और ए क्या हो जाएगी डी के पावर 4 हो जाएगी, और ये 2d है इंटू टेन थीटा, तो ए डी से ए डी कट गया। अब ए डी से ए डी कट गया तो क्या बच जाएगा अपने पास एम और एच, तब एम एच इक्वल 4 पाई म्यू नॉट डी की पावर 3 अपॉन 2 टेन थीटा। इसी को क्या बोलते हैं ग्रॉस की टेन स्थिति, अक्षीय स्थिति में रखे तब, ठीक है।